एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मेरे वीडियो का इंतजार कर रहे होंगे। तो गाइस, आज हम बनाने वाले हैं भटूरे। बहुत आसान तरीके से बनाने वाले हैं, बहुत टेस्टी आता है छोले के साथ खाने में और झटपट से सब लोग बना सकते हैं। बड़े हों, बच्चे हों, कोई भी हो बना सकता है। और बिगनर के लिए मैं बता रही हूँ बहुत आसान तरीके से। तो चलिए देर न करते हुए फटाफट से शुरू करते हैं। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह से बना हुआ है हमारा भटूरा, आप देख सकते हैं। बहुत बढ़िया सा फूल गया है ये और बहुत ही टेस्टी आता है छोले के साथ खाने में। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो हमने लिया है मैदा, देख रहे हैं आप, हमने मैदा लिया है एक कटोरी के लगभग है ये। इसमें डाला है मैंने नमक, मैंने थोड़ा सा ही नमक डाला है। और इसमें डाला है शुगर, एक चम्मच शुगर डाला है मैंने। और इसमें डालने वाली हूँ मैं बेकिंग सोडा, चुटकी भर मैं डालूंगी, ज़्यादा नहीं डालूंगी गाइस। इससे क्या होगा कि हमारा जो बैटर है अच्छी तरह से फूल जाएगा। ये देखिए, मैंने बेकिंग सोडा डाला है थोड़ा सा। और इसमें मैं डालने वाली हूँ सूजी, एक से दो चम्मच। ये देखिए, एक से दो चम्मच डालने वाली हूं मैं। और इसमें मैं डालने वाली हूं दही, तो एक से दो चम्मच दही डालने वाली हूं मैं। ये देखिए, और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे सबको। ये देखिए, तरह से हमें मिलाना है। और हमने आटा गूंथ लिया है, इसको देखिए 2 से 3 घंटे के लिए मैंने रख दिया है। ये देखिए, इस तरह से मैंने गोलियां बना ली हैं। और मैंने बेल लिया है, गोल आकार में बेल लिया है इसको। आप चाहें तो लंबा आकार भी दे सकते हैं। अब इधर हम फ्राई करने के लिए तैयारी करेंगे। तो ऑयल को हम कर रहे हैं गरम, ऑयल हमारा गरम हो चुका है। तो इसमें हम डालेंगे, लो टू मीडियम में पकाना है। ये देखिए गाइस, कितना आसानी से और जल्दी से फूल गया है ये। आप लोग भी बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका मैंने बताया है। और ये छोले के साथ बहुत टेस्टी आने वाला है खाने में। आपका खुद का खाने का मन है, आप बना सकते हैं। मेहमान आ गया, उसके लिए बना सकते हैं। ये देखिए गाइस, कितना बढ़िया बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ऐसे ही मैं सभी को बना लूंगी। तो आप लोग भी ट्राई करें। मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, अगर आप सब नए हैं मेरे चैनल में तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, बिल्कुल ही ना भूलें।